हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम वन नेशन वन राशन कार्ड को डिस्कस करेंगे। क्या है ये स्कीम, कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी और इसमें क्या कवर होता है। देखिए, ये जो स्कीम है ये हमारे पुअर वर्कर्स, ये हमारे गरीब लोगों के लिए है, जिन लोगों को बहुत मुश्किल होती है राशन खरीदने में। जब वो एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट माइग्रेट कर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है इस चीज़ में, क्योंकि उनके पास जो राशन कार्ड होता है, से यूपी में कोई काम करता था, जब वो यूपी की शॉप से, राशन शॉप से राशन खरीदता था, अब वो उत्तराखंड काम करने चला गया तो अब वो उत्तराखंड से खरीदेगा, तो इसमें उसे बहुत दिक्कत आती थी। तो अब क्या होगा, जो भी एक पर्सन होगा, जो भी एक गरीब आदमी होगा, वो एक स्टेट से, अगर पूरे कंट्री में एक ही राशन कार्ड चलेगा उसका, वो किसी भी राशन शॉप से सस्ते दामों में फूड ग्रेन्स खरीद सकता है। ये हम बस इसकी शर्त ये है कि आपका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, राइट। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक PDS की बात करी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैं ये बता देती हूँ आपको ये क्या है। देखिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था हमारे फूड मंत्रालय के अंदर, ठीक है। फूड मंत्रालय से देखता है, इसी बात पे ये बता दीजिए हमारे फूड मिनिस्टर कौन है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारे गरीब लोग हैं उन्हें हमारे फूड और नॉन फूड आइटम सस्ते दामों पर गरीब लोगों को मिल सके, है ना, उन्हें मुहैया कराया जाए। ये चीज़ जो हमारा PDS सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इस चीज़ को हम लाए थे 1944 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और इसे फाइनली लॉन्च किया गया था जून 1947 में। और अब ये जो हमारा FCI, जो हमारा PDS सिस्टम है, इसे FCI देखता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देखिए, अब ये स्कीम क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड। शुरू में जो ये स्कीम है ये हमारी चार स्टेट्स में एक तरह से पायलट बेसिस पर चलाई गई, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। जिससे जो, इसका मतलब ये है कि जो गुजरात और महाराष्ट्र वाले लोग, जो गुजरात वाला पर्सन है वो महाराष्ट्र से चाहे तो राशन खरीद सकता है, और महाराष्ट्र वाला गुजरात से खरीद सकता है, ऐसी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। शुरू में ये चार स्टेट्स में चलाई गई है, धीरे धीरे 1 जून 2020 तक ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और जनवरी 2020 तक, मैं बोल रही हूँ जनवरी 2020 तक, हमारे 11 स्टेट्स एक ग्रिड की तरह काम करेंगे। इन 11 स्टेट्स में जो भी लोग हैं वो इन 11 स्टेट्स में कोई भी स्टेट में जाके अपना राशन खरीद सकते हैं कम दामों पर, ठीक है, सब्सिडाइज प्राइस पर, राइट। बस आपका आधार नंबर आपके राशन जो कार्ड है उससे लिंक होना चाहिए इस सर्विस को अवेल करने के लिए, राइट। अब देखिए, जो हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये सेम फैसिलिटी, मतलब जो है आपको आंध्र प्रदेश में, ये तो एक एग्जांपल देके बताया कि तेलंगाना के लोग को आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगी POS मशीन्स के ज़रिए, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन। देखिए, जो हमारी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है आजकल हर राशन शॉप पर है, अबाउट 73% राशन शॉप्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन है, और आधार कार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा लिंक हो चुके हैं 84% के करीब। तो ये एक बड़ा, हाँ, हमारे लिए चैलेंज नहीं है कि आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होने चाहिए, राइट। तो वो जल्द ही हो ही जाएंगे। वैसे भी इसका स्कीम जो मेन इम्प्लीमेंट करने का टाइम है वो 1 जून 2020 है, राइट। अब देखिए, जो ये हम ऑफिशियल डेटा की माने तो 2.82 करोड़ कंज्यूमर्स जो हैं वो इस राशन पोर्टेबिलिटी से बेनिफिटेड हुए तेलंगाना में, राइट। तो ये स्कीम जो है लास्ट ईयर इस स्टेट में इंट्रोड्यूस की गई थी, राइट। और 56 लाख बेनिफिशरीज जो हैं ना वो NFSA एक्ट के अंदर तेलंगाना में कवर्ड होते हैं। वैसे ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा शुरू में ये रन की गई स्कीम को पायलट बेसिस पर, वो चार स्टेट्स में की गई, गुजरात महाराष्ट्र के बीच में और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है आप में कि ये सबसे पहले स्कीम कहाँ पर लाई गई थी, तो तेलंगाना में लाई गई थी, राइट। तो अब जो ये, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है वो मैंने आपको बता ही चुका है कि जो तेलंगाना वाले लोग हैं वो आंध्र प्रदेश में खरीद सकते हैं, और आंध्र प्रदेश वाले तेलंगाना से खरीद सकते हैं, राइट। अब ये 7 स्टेट्स मीनवाइल ये भी कवर होंगी, और जनवरी 2020 तक एक ग्रिड बना दिया जाएगा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राइट। इन सब का एक ग्रिड सा बना दिया जाएगा, जिससे यहाँ के लोग इन किसी भी 11 स्टेट्स में जाके खरीद पाएंगे। तो आप
मेरे को जो भी इनके सीएम हैं जो चेंज हुए हैं ठीक है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, इससे आपकी ही नॉलेज एनहेंस होगी, बिल्कुल गूगल मत कीजिएगा। देखिए जनवरी 2020 तक इन 11 स्टेट्स में ये स्कीम राशन कार्ड वाली पोर्टेबल हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे हर मिनिस्ट्री में लाई जाएगी, रोल आउट की जाएगी। और देखिए आप सोच रहे होंगे अब ये जैसे कोई पर्सन है वो जाके दूसरे में ख़रीदेगा, आंध्र प्रदेश वाला तेलंगाना में ख़रीदेगा जाके, तो इससे दिक्कत हो सकती है तेलंगाना में क्योंकि वहाँ पे स्टॉक नहीं होगा उतना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एफसीआई के गोडाउन है वो 3 महीने का स्टॉक एडवांस में रखते हैं, है ना, अपने जो उनके गोडाउंस हैं। और एफसीआई के गोडाउंस को भी जल्दी ही लिंक कर दिया जाएगा, जिससे जो भी ट्रेस करना है ना कि कहाँ पे कितना प्रोक्योर किया गया फूड ग्रेन और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस चीज़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में दिया जाएगा। तो इससे आप ही लोगों को बहुत आसानी होगी, करप्शन कम होगा, राइट। और जो ये स्कीम को देख रहे हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हेल्प करेंगे, स्टेट फूड सेक्रेटरीज, एफसीआई के ऑफिशियल्स, जो हमारे सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशंस हैं, स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशंस, उनके ऑफिशियल्स इस स्कीम को देखेंगे और देखेंगे कि पूरी तरह इस कंट्री में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, राइट। और एक मैं आपको बता दे रही हूँ, एक अन्न वितरण पोर्टल भी बनाया जाएगा इस चीज़ के लिए, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कौन सी क्वांटिटी के कितनी क्वांटिटी ग्रेन्स हैं और कौन सी क्वालिटी के, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होंगी और ये एफसीआई और स्टेट गवर्नमेंट को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दोनों को मिलेगी, ठीक है। और ये अन्न वितरण पोर्टल के बारे में आप याद रखिएगा, अन्न वितरण पोर्टल, राइट, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस पोर्टल को रखा गया है, राइट। अब देखिए जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है 5 किलो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स देती है हर पर्सन को और ओवर 81 करोड़ पीपल, तो इससे और भी जो पीपल हैं वो इसमें कवर हो पाएंगे, हमारे पीडीएस सिस्टम में कवर हो पाएंगे। जब ये प्रॉब्लम वो लोग नहीं देखेंगे आज के बाद कि अगर वो दूसरे स्टेट में जाते हैं और राशन से सामान खरीदते हैं तो उनको दिक्कत आएगी, बिकॉज वो अब दूसरी स्टेट में चले गए हैं, तो इस चीज़ की दिक्कत अब बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो ये बहुत एक अच्छी स्कीम है, जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, करप्शन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो उससे बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में चीज़ें आएंगी, तो हर चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि कहाँ धांधलेबाजी हो रही है, राइट। तो हम यही वे फॉरवर्ड यही कामना करते हैं कि ये स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको सब्सिडाइज दामों पे चीज़ें मिलती रहें। अच्छा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए, जब ये शुरू में स्टार्ट हुआ था हमारा पीडीएस सिस्टम, तो फूड ग्रेन्स हमारे वीट राइस के अलावा एक हमेशा शुगर भी मिलती थी, केरोसिन भी मिलता था, तो कितना कितना मिलता था कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अब कितना कितना मिलता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरीज पूछिए, ऐसे लिखिए, तो आप इसमें क्या है, आपकी ही इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, है ना, आपकी ही नॉलेज बट रही है ना, और बढ़ रही है, राइट। सो देखते रहिएगा स्टडी ग्लोस, थैंक यू वेरी मच।